बर्थडे पे इतने साल बाद मुलाकात हो रही है सर से? नहीं सर को मैं मिलती रहती हूँ, लेकिन आज बॉलीवुड थीम है और मैंने उनको इनवाइट भेजा था। आई स्वेयर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा बिजी होंगे क्योंकि उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड सडनली आई सॉ हिम, आई एम लाइक ओ माय गॉड, बॉलीवुड थीम इनके बगैर अधूरा है, मेरी पार्टी इनके बगैर अधूरी है, बिकॉज आज जो बादशाह की रानी है वो सिर्फ अब्बास भाई मुस्तान भाई की वजह से। अरे रानी के रानी है तो हम लोग कैसे नहीं आ सकते, हमारे बादशाह में इतना कमाल का रोल किया है। ना इनविटेशन भेजा था उसमें बादशाह का ही था, बादशाह का था भाई, हमारी रानी को लोग करने जाना बहुत जरूरी है, आते ही लेकिन बोल के आना ये आना। Well, it was superb surprise. तो अच्छा है, हमारे हम उनको बहुत चाहते हैं एंड शी इज आवर फेवरेट, तो उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस हर ऑलवेज ऑलवेज, मे गॉड ब्लेस हर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, बस दैट गिव मी मे आशीर्वाद, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा नेगेटिव करते हैं, अभी एक नया शो है जिसमें पॉजिटिव रोल कर रही हैं, तो क्या कहेंगे? मैं खुद सरप्राइज हूं, एक नया शो करूं जो एंड नाउ रिकी सीमा हूं एंड आई एम प्लेइंग कंप्लीट पॉजिटिव, ऑफ कोर्स शी इज अ स्ट्रांग वुमन। तो मैं चैनल आई थॉट कि चैनल गलती से तो मुझे कास्ट नहीं कर दिया, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में इंप्रेशन हो जाती है, टाइप कास्ट हो जाता है, बट आई एम सो ग्लैड दैट दे हैड फेथ इन मी एंड द शो इज डूइंग वेरी गुड, वी आर टॉप 20 एंड थैंक यू टू एवरीवन हु इज लविंग माय वर्क एंड आप लोग की वजह से मैं आज 25 साल से मैं यही हूँ एंड यही रहूँगी। 25 साल क्या और आगे बहुत टाइम है, और 50 साल करो, 50 साल करो, तुम काम करते रहना ऐसे के वैसे, हमको लगता है बादशाह में जैसे थी वैसे लग रही है। वेरी गुड, वेरी थैंक यू, थैंक यू। अभी इनका जन्मदिन है, रेट्रो पार्टी है, आज आप खुद रेट्रो लुक में आए हैं। रेट्रो है, मैं नहीं पता रेट्रो जैसा भी है पर मेट्रो है थोड़ा सा। पहले तो जन्मदिन की मुबारकें हैं दीपिका जी को, जैसे मैं उनको जानता हूँ इतनी खूबसूरत था, और मुझे एक बार कुछ काम पड़ गया था तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने दोनों में काम किया, दिलदार भी हैं, यारों के यार भी हैं, और जय हो उनको जन्म की बहुत मुबारक हैं। तब से दूरियों से लेके हम, मेरे को लगता है जितने भी गाने हैं मैंने उनके लिए लिखे, आगे भी पिक्चर बनाएंगे तो मैं ज़रूर लिखूँ उनके गाने। गंगूबाई के अवतार में आप आई हैं, प्रोग्रामिंग देखी है दंगल की, क्या कहना चाहेंगे दीपशिखा जी के लिए? दीपशिखा जी इतनी रंगीन है और उनकी पार्टीज हमेशा इतनी एनर्जी वाली होती है, खुद वो जितनी एनर्जी वाली हैं तो पार्टीज भी उतनी रंगीन और एनर्जी वाली रखती हैं, तो उनके बर्थडे के लिए तो कुछ स्पेशल करना ही था। सो थोड़ा सा टीवी से हटकर, क्योंकि वो भी अभी टीवी कर रही हैं, हम भी टीवी कर रहे हैं, सो टीवी से हटकर यस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड विशिंग हर ऑल दी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस हर ऑलवेज, थैंक यू। सो मेरी बेस्ट फ्रेंड है दीपशी एंड शी हैज़ मेड अ मार्क इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हमें बहुत प्राउड है उसके ऊपर, और हमारे सब की तरफ से दीपशी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आज 20 इयर्स की हो गई है फाइनली, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड बॉलीवुड थीम था तो हमने बॉलीवुड फॉलो किया है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग हाउ आई एम लुकिंग, फिर भी मैं बता देती हूँ, आई ट्राइड गिविंग द लुक ऑफ हेमा जी एंड ओवर टू माई डॉटर अनन्या। मैं भी दीपशिखा आंटी को उनके बर्थडे की, एक्चुअली दीपशी दीदी, उनको बर्थडे की बहुत बहुत विशेस देना चाहूँगी। शी हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर अस, वो हमेशा हमारे लिए रही है, हम उनकी फैमिली है, तो हम उनके एकदम सोल्जर्स बन के थीम फॉलो करके पार्टी का तैयार होके आए हैं एंड इट्स अमेजिंग। मैंने भी थोड़ा ट्राई किया कि मैं जीना तमान जी की तरह थोड़ा सा लुक क्रिएट करूँ विद अ मॉडर्न टच, सो आई वांट टू विश दीपशी दीदी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ओवर टू हिम। आई एम ड्रेस्ड अप एज शमी कपूर जी एंड आई ट्राइड टू गेट दैट लुक बट इन अ मॉडर्न वे एंड दीपशिखा आंटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके बर्थडे की। आई लव हर, शी इज सो ब्राइट, फन लविंग एंड हर पर्सनैलिटी इज सो फन, टोटली अमेजिंग। हमें अपनी मम्मा को हैप्पी बर्थडे विश करना है जो हमने किया ऑफकोर्स, एंड हम ये थीम मैंने मम्मा के लिए चुना क्योंकि मम्मा सिर्फ दो थीम करती है, वो है ब्लिंग और रेट्रो नाइट, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई स्पाइस इट अप अ लिटिल, सो मेरा भाई डॉन बना है और मैं देसी गर्ल बनी हूँ। हाँ, लव यू मम्मा। दीपशी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत बहुत प्यारी इंसान है एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लविंग पीपल, सो आई विश हर लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट हर लाइफ
lots of success. हम सब खुश रहें और she is a lovely, lovely girl and one of my dearest friends. So lots of love and happiness for her. Deepshika is the best person in the entire industry. इतना उसका जो सुंदर heart है and she is so full of life that I am very, very happy and I wish her a very happy birthday. A very, very close thing which I've always kept in my heart. I'm a big Praveen Babi fan. So am I. But I regret not meeting her, not knowing her. But that regret went out of the window when I met Deepshika. The modern 2022 Praveen Babi is with us, the most gorgeous female in the industry. Thank you so much. Love you, love you, love you. Thank you for coming. And wish you a very happy birthday and many more to come. Thanks. Thank you. COVID ke baad, I wanted all my friends to come and thank you for coming. Oh, it's our pleasure, always, anytime. Well, I want to wish Deepshi a very happy birthday. मैं अपने माइक पे बोल रहा हूँ and I have dressed like Mithunda. I tried to, he's been a big inspiration and I love dancing. So I thought what's a good time to dress up like Mithunda from Disco Dancer. And it's a Bollywood theme and everyone is dressed up so well. Looking forward to the party. And once again, happy birthday Deepshi. You are beautiful. You are a beautiful soul. You're an amazing friend and you're an amazing mother. First of all, let me tell you what is it that, you know, me and my entire group, how do we call Deepshika as for the last almost about 10 years. We have nicknamed her Diva and she is the brightest, loveliest, liveliest, cutest person in our family, in our lives, in our group. I don't remember any evening which is complete without Deepshika, you know, adding her her energy, you know, the vibrance, the affluence that she brings along with her. यार जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्टी बहुत धमाल से हो रही है. मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि आज जो जो इस पार्टी का थीम था वो बॉलीवुड थीम था और मैं तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के आया हूँ. तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है बट ऑब्वियसली ये दीपशिका जी का बर्थडे है तो इट्स नॉट अ बर्थडे, इट्स लाइक ए फेस्टिवल. तो बस मैं वो फेस्टिवल में आया हूँ, एंजॉय करके अब जाऊँगा. Deepshi and me, हमने बहुत सारी मस्ती साथ में की हुई है. शी इज़ अ लाइव वायर एंड वी हैव हैड वेरी शॉर्ट वेकेशंस टुगेदर विद आर चिल्ड्रेन एंड इट्स ऑल बिन लवली. एक्चुअली उसके साथ हम लोग बहुत मस्ती करते हैं. मैं गणपति ट्रेडिशनली साथ में मैं उसके घर जाती हूँ, वो मेरे घर आती है एंड हर फार्म हाउस वी विल गो टू एंड वी हैव डन लाइक अ लॉट ऑफ मस्ती टुगेदर. Deepshika actually is synonymous to Bollywood because Deepshika जहाँ होती है वहाँ हर चीज़ बहुत फिल्मी, बहुत ब्राइट, बहुत लाइवली होती है. तो ये थीम आई थिंक उन्होंने एकदम परफेक्ट चूज़ किया है कि सारे लोग बॉलीवुड की तरह ड्रेसअप हो किया है. मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही झिलमिल बन के आई हूँ. सो आई थिंक आई एम मैचिंग विद हर ड्रेस एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट इन लाइफ. शी इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड जैसे वो है एक ब्राइट एंड वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, वो ऐसे ही रहे लाइफ लॉन्ग. बिल्कुल, जब बॉलीवुड थीम बोला तो मेरे अंदर देव साहब घर से ही आ गए थे. तो मैं दीपशिका को ये कहूँगा कि आपको जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू. और देखिए बॉलीवुड तो है, टॉलीवुड भी मेरे अंदर है. रजनीकांत साहब नौद्र सोंद सलो मर रहे दीपशिका जी को हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो. इसके बारे में विशेष ये है कि बॉलीवुड थीम है तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको. हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ इस बहाने मिलना हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और क्योंकि मैं 1600 किलोमीटर ड्राइव करके आई हूं दोस्त के लिए फ्रॉम दिल्ली टू ट्रैवल टुडे. और भी फिलहाल तो हम लोग गैंग है, मतलब हम हमारे बिना वो पार्टी कर भी नहीं सकती. हाँ, हम है तो पार्टी है. हैप्पी बर्थडे. यू नो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट देव साहब, देवानंद जी के बारे में ऑन रेडियो एंड आई जस्ट डिस्कवर्ड के दीपशिका इज ऑल्सो वन ऑफ देव साहब डिस्कवरी. तो यू नो जीना तमान, टीना मुनेम, उस तरह के नेम्स के साथ दीपशिका का नाम आता है. And right from there till today, she has been relevant. She's been part of so many great films, so many great TV shows.
तो हैट्स ऑफ टू हर फॉर हर पैशन यार, वो पैशन आई थिंक 90s में भी सेम था, आज भी वही सेम है, हैट्स ऑफ टू हर।